हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए पटना मेट्रो से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट लेकर। और गाइस, इस पटना मेट्रो जिसके काम की रफ्तार की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, जिस पर मैं कई सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं। बट गाइस, जिसका इंतज़ार इतने लंबे टाइम से हो रहा था कि कब इस मेट्रो के पिलर पर उस यू गर्डर की लॉन्चिंग की जाएगी जिस पर मेट्रो दौड़ेगी, तो गाइस आपको मैं बता दूँ, उस यू गर्डर को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है जिस पर पटना मेट्रो रेल दौड़ेगी। वैसे गाइज, आज की अपडेट ये नहीं है क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, उस टाइम इस पर एक यू गर्डर को लॉन्च किया गया था। बट अब आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पिलर नंबर 103 से लेकर 104 के बीच इस यू गर्डर की लॉन्चिंग कर दी गई है। और गाइज, अब तो थर्ड यू गर्डर की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, तो चलिए मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ ये रहा बिहार की राजधानी पटना के लोगों का वो सपना जो काफ़ी सालों से लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द हमारे पटना शहर को भी लोग मेट्रो सिटी के नाम से जाने। तो गाइज, फाइनली आज हम ये सपना सच होता हुआ देख पा रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ इस यू गर्डर के एक पेयर को सेट कर दिया गया है। और गाइज, यहाँ ये काम पिलर नंबर 103 से 104 के बीच किया जा रहा है। और गाइज, फाइनली यहाँ ये रहा वो तीसरा यू गर्डर जिसे अब ऊपर चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं, इसे इस बड़ी सी ट्रॉली पर लाया गया है और ये काम रात में किया जाता है जब ट्रैफिक बिल्कुल कम हो। 2-3 बजे रात में इसे यार्ड से लेकर आया जाता है यहाँ साइट पर। और अब इसे पिलर नंबर 102 से 103 पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, यहाँ इस यू गर्डर को लॉन्च करने के लिए अभी इस मशीन पर ये जो हैवी प्लेट्स हैं इसे लोड किया जा रहा है ताकि इस यू गर्डर को ऊपर उठाने के टाइम ये मशीन डिसबैलेंस ना हो और आसानी से इसे ऊपर उठाया जा सके। और ये काम इन दोनों मशीन पर की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज, अब बस काम इसी स्पीड में चलता रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जून 2024 तक ये जो मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर को चालू करने की बात की जा रही है, जिसमें मलाई पकड़ी से लेकर न्यू ISBT तक वाले रूट जिन पर अगले साल यानी जून 2024 तक हम मेट्रो को दौड़ता हुआ देखेंगे। और ये स्टार्ट भी होनी चाहिए क्योंकि ये वाला पार्ट एलिवेटेड है और इसके अंदर मलाई पकड़ी से होते हुए आप खेमनी चक, भूतनाथ स्टेशन, 0 माइल स्टेशन और न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन तक आसानी से आ जा सकेंगे। तो गाइज, बस ये काम इसी स्पीड से चलता रहे और गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा ध्यान देती रहे। बाकी गाइज, जो भी होगा मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूँगा, बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइज चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आप तक ऐसे ही पटना और इसके आसपास की तमाम अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। तो गाइज, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूँ मैं आपसे पटना के एक और नए जगह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।